नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में व्याकरण विषय, और व्याकरण विषय में पढ़ रहे हैं हम सुबंत प्रकरण विद्यार्थी। अब देखिए, एक सूत्र है हमारा गेरे सूत्र। क्या कहता है विद्यार्थियों? अदंत अंग से परे गे के स्थान पर यह आदेश होता है। क्या कहते हैं? अदंत अंग से परे गे के स्थान पर यह आदेश होता है। क्या कहते हैं कि अदंत अंग से परे गे के स्थान पर यह आदेश होता है। अदंत अंग से परे गे के स्थान पर यह आदेश होता है। देखिए, जैसे राम प्लस गे ये है, तो आपको पता है ये अदंत अंग है। अदंत अंग किसको कहते हैं? अंग तो उसको कहते हैं जिसमें प्रत्यय लगा रहता है। जैसे जो प्रत्यय है ये गे, ये किसमें लगा है? राम में। इसलिए राम में लगाए तो राम तो हो गया अदंत, और गे प्रत्यय है। अब ये अदंत अंग है। अदंत क्यों है? क्योंकि अत, अत कहते हैं ह्रस्व अकार को, अत अंत में है जिसके, उसको कहते हैं अदंत। तो ये हो गया। तो आप लिखेंगे इस उदाहरण में राम शब्द अदंत है और उसके बाद इस उदाहरण में राम अदंत शब्द है और उसके बाद गे प्रत्यय है। अतः प्रकृत सूत्र से गे के स्थान पर यह होकर राम प्लस यह स्थिति बनती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए अब देखिए सिद्धि करनी है हमें रामायण और ये सिद्धि है राम शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन राम शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन देखिए आप लिखेंगे राम उत्तर लिखेंगे अर्थवाद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च सूत्रों से सब समझ सब हिंदी समझ में आ जाएगी। अर्थवत् धातु व प्रत्यय प्रातिपदिकम और प्रत्यय समासाश्च सूत्रों से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा फिर देखिए आप लिखेंगे राम प्लस सुप राम प्लस सुप जब आप लिखेंगे तो सूत्र लगाएंगे प्रत्यय परश्च और ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च और ज्ञा प्रातिपदिकात् सूत्रों के अधिकार में प्रत्यय परश्च और ज्ञा प्रातिपदिकात् सूत्रों के अधिकार में स्व जस अमाउट सूत्र से 21 सुप प्रत्यय
सुप प्रत्यय प्राप्त होते हैं अभी। फिर आप इस सुख के प्रत्येक तरीके की तरक्की कर लेंगे, एकवचन द्विवचन संज्ञा, तो आप लिखेंगे सुपह सूत्र से सुपह सूत्र से सुप प्रत्याहार के प्रत्येक कृत की क्रमशः एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा अब देखिए ये संज्ञा हो जाएगी। फिर उसके बाद आप लिखेंगे राम प्लस गे और आप सूत्र लाएंगे द्वि एक योर द्वि एक योर द्वि वचनैक वचने द्वि एक योर द्वि वचनैक वचने सूत्र से द्वि एक योर द्विवचने एक वचने सूत्र से चतुर्थी एक वचन में घे प्रत्यय प्राप्त होता है। इसके बाद विद्यार्थियों इस घे के स्थान पर यह ले आएंगे राम प्लस यह और सूत्र लगा देंगे घे सूत्र से के स्थान पर यह आदेश फिर देखिए आप लिखेंगे राम प्लस यह सूत्र की सहायता से
सुपिच सूत्र से स्थान युग आदेश और अव्यय सूत्र की सहायता से सुपिच सूत्र से अदंत अंग को दीर्घ होकर रूप सिद्ध विद्यार्थी आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लें। अब देखिए एक सूत्र है बहुवचने जलेत इसका अर्थ है जलादि बहुवचन सुप परे हो तो जलादि बहुवचन सुप परे हो तो अदंत अंग के स्थान पर एकार आदेश हो जाता है। जलादि बहुवचन सुप परे हो तो अदंत अंग के स्थान पर एकार आदेश हो जाता है। अब देखिए जैसे आप लिखेंगे राम प्लस भ्रस इस स्थिति में
विद्यार्थियों, ये जो राम है अदंत अंग है। अंग किसको कहते हैं? जिसमें प्रत्यय लगता है उसको अंग कहते हैं विद्यार्थियों। तो राम क्या है? अदंत अंग है। और ये जो भ्यस प्रत्यय है वह ऐसा है जिसके प्रारंभ में झल प्रत्यय आर्था वर्ण है। तो ये जो राम है इसके ए को आ को ए हो जाएगा और ये हो जाएगा विद्यार्थियों रामे प्लस भ्रस। और सूत्र लिख देंगे आप, लिख देंगे प्रकृत सूत्र से अदंत अंग को एकार आदेश फ्री विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप करेंगे रामेभ्य की सिद्धि चतुर्थी बहुवचन। आप क्या करेंगे विद्यार्थियों? देखिए राम शब्द लाएंगे। अब ये जो क्या है आपको ध्यान रखना है कि राम शब्द बहुवचन का है और बहुवचन में कितने होते हैं? बहुत होते हैं। तो आप लिखेंगे तीन बार राम लिखेंगे, राम राम और राम। और लिखेंगे अर्थवत् धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतद्य समासाष्ट सूत्रों से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा। और फिर देखिए आप लिखेंगे राम 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 और सुख। प्रत्यय परश्च ज्ञा प्रातिपदिका सूत्रों के अधिकार में स्वज समोत्स सूत्र से 21 सुप्रत्यय प्राप्त होते हैं। और फिर देखिए एक राम शेष रख देंगे, आप लिखेंगे राम प्लस सुप और सूत्र लिखेंगे सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। क्या कहते हैं? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। सूत्र से एक राम शब्द शेष उसके बाद देखिए आप इसके सुख के त्रिकों की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा कर देंगे। आप लिखेंगे राम प्लस सुख और सूत्र लग जाएगा सुख सूत्र से सुप प्रत्याहार क
त्रिकों की एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा फिर लिखेंगे आप राम प्लस व्यास क्या लिखेंगे राम प्लस व्यास और सूत्र लिख देंगे बहुसु बहुवचनम सूत्र से बहुवचन में व्यास प्रत्यय और उसके बाद राम का रामी हो जाएगा और आप लिखेंगे बहुवचन ही जनरेट सूत्र से बहुवचने झलेत सूत्र से अनंत अंक को एकार आदेश फिर देखिए आप लिख लेंगे सुख तिगंतम पदम सूत्र से रामेभ्यस की पद संज्ञा ऐसे बोलता हूँ मान लो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें
फिर देखिए आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से सकार का सकार की इत संज्ञा प्राप्त होती है हलंत्यम सूत्र से सकार की संज्ञा प्राप्त होती है। किंतु न विभक्त हो सूत्र से किंतु न विभक्तौ तस्माह सूत्र से इत संज्ञा का निषेध हो जाता है। फिर देखिए इसको रू आदेश हो जाएगा। आप लिख देंगे सो रूह सूत्र से पदांत सकार को रू आदेश और फिर उसके बाद विद्यार्थियों आप इस रूप के रूप की संज्ञा कर लेंगे। और सूत्र लिखेंगे उपदेश अजानु नासिकित उपदेश अजन्नासिकित सूत्र से रू के पुकार की इत संज्ञा रू के पुकार की संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक उकार का लोप और फिर देखिए आप लिखेंगे
रामेश्वर और सूत्र लिखेंगे विराम हो अवसानम, विराम अवसानम सूत्र से रेप की अवसान संज्ञा रेप की अवसान संज्ञा और फिर आप लिखेंगे इसको सूत्र से वेद को विसर्ग प्रिय विद्यार्थियों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें अब देखिए एक सूत्र है ओ सिज ये जो ओ सिज सूत्र है विद्यार्थियों ओस परे होने पर अदंत अंग के स्थान पर
एकार आदेश हो जाता है कोश परे होने पर अदंत अंग के स्थान पर एकार आदेश हो जाता है। देखिए राम ये जो राम शब्द है वो कैसा है अदंत है और इसके बाद क्या है ओस प्रत्यय है तो ये क्या कहते हैं ओस परे होने पर अदंत अंग के स्थान पर एकार हो जाता है। अदंत अंग क्या है राम है तो इसके आ को ए हो जाएगा विद्यार्थियों। आप लिखेंगे इस उदाहरण में अदंत अंग राम के बाद कोश प्रत्यय है प्रकरण सूत्र से अदंत अंग के स्थान पर एकार होकर रामे प्लस कोश स्थिति बनती है। रामे प्लस ओस यह स्थिति बनती है विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए स्थिति करनी है हमको रामयोह ये स्थिति है राम शब्द षष्ठी द्विवचन राम शब्द है षष्ठी द्विवचन है। अब देखिए आप इसकी सिद्धि करेंगे द्विवचन का ये राम प्लस राम सूत्र लिखेंगे अर्थवाद
धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम् और कृतपदित समासाश्च अर्थवत् धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम् और कृतपद्य समासाश्च सूत्रों से राम की प्रातिपदिक संज्ञा इसके बाद देखिए राम प्लस सुप और सुप लगाएंगे विद्यार्थियों प्रत्यय परस्य और ज्ञान प्रातिपदिका सूत्रों के अधिकार में सूत्रों के अधिकार में स्वजस सूत्र से 21 सुप प्रत्यय प्राप्त होते हैं और फिर विद्यार्थियों आप इस राम का एक राम शेष रख लेंगे और सूत्र लगा देंगे सरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र से सरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र से एक राम शब्द शेष और उसके बाद फिर आप इसकी करेंगे एक वचन विवचन संज्ञा और सूत्र लगा देंगे सुपह सूत्र से सुप के प्रत्येक तरीके एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हम भी
फिर देखिए आप लिखेंगे राम प्लस ओस, आप लिखेंगे सूत्र से षष्ठी विवचन में ओस प्रत्यय प्राप्त हुआ। षष्ठी द्विवचन में ओस प्रत्यय प्राप्त हुआ। और फिर देखिए एक सूत्र पढ़ा था आपने ओसित, इससे हो जाएगा रामे प्लस ओस और सूत्र लग जाएगा ओसित सूत्र से अनंत अणु को एकार आदेश और देखिए ए है और यहाँ ओस आ रहा है तो अयादि संधि हो जाएगी। रामय रामय हो जाएगा और आप उसको लिखेंगे एचो अयवायाव सूत्र से एच क्या कहते हैं सूत्र से एच ए के स्थान पर अय आदेश एच ए के स्थान पर अय आदेश और जब आप इसको जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा रामायोस। आप लिखेंगे शुभ तिगंतम पदम सूत्र से रामयोस की पद संज्ञा प्रिय विद्यार्थियों आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए आप लिखेंगे रामायोज और आप लिखेंगे के हलंत्यम सूत्र से सकार की इत संज्ञा प्राप्त होती है हलंत्यम सूत्र से सकार की संज्ञा प्राप्त होती है किंतु न विभक्तौ उपमा सूत्र से इत संज्ञा का निषेध और पिंडे रामयू रूप सूत्र लग जाएगा स सू तो रोह सूत्र से पदांत सकार को रु आदेश प्राप्त लिखेंगे उपदेश उपदेशे अजन्नासिक इस सूत्र से उपदेशे अजन्नासिक इस सूत्र से रूप के उकार की इत संज्ञा तथा तस्य रूपः से लोप इत संज्ञा को उपकार का लोप अब इसके बाद विरामो अवसानम सूत्र से रेप की अवसान संज्ञा और ये हो जाएगा राम योग
और सूत्र लग जाएगा खरब सान योर विसर्जनीय खरब सान योर विसर्जनीय सूत्र से अवसान में रेप को विसर्ग होकर रूप सिद्ध। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।